नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया कि आंगनबाड़ी सेविका का पोषाहार लूटने का मामला सामने आया है। तो जैसा कि आप सभी आंगनबाड़ी बहनें, आपको पोषाहार दिया जाता है गर्भवती महिला और बच्चों को बांटने के लिए, तो वो सारा पोषाहार आप लोग टाइम टू टाइम बांट देती हैं। लेकिन एक ऐसी सेविका है जहाँ पर वो सेविका अपना पोषाहार बांट रही थी, उसी टाइम कुछ स्थानीय लोगों ने आकर उनका सारा पोषाहार लूट लिया और उनके साथ बदसलूकी भी की। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये उस आंगनबाड़ी सेविका केंद्र की तस्वीर है जहाँ पर स्थानीय लोगों ने उनके जो पोषाहार है उस पोषाहार को लूटते हुए ये फोटो लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर में देखिए, यहाँ पे ये जागरण में न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। जैसे कि यहाँ पे शीर्षक में दिया गया है, आंगनबाड़ी केंद्र पुष्टाहार लूट ले गई महिलाओं व बच्चे। तो जैसे कि मैं ये जो खबर दिखा रहा हूँ वो खबर उत्तर प्रदेश आगरा की है। ये न्यूज़ आज ही की है, सुबह सुबह ये न्यूज़ को इस जागरण के माध्यम से, दैनिक जागरण के माध्यम से इस न्यूज़ को दिखाया गया है। तो आगे इस खबर को पूरी विस्तार से जानेंगे और इस चैनल पे आपको एकदम सच्ची न्यूज़ दिखाई जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। निहोबरा के ग्राम हीरापुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुष्पा देवी बीते शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं व बच्चों को पोषाहार का वितरण कर रही थी। पुष्पा देवी ने बताया कि दोपहर 2:30 बजे वे 33 पैकेट ही बांट पाई थी कि एकाएक बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे पहुंच गए। उन्होंने केंद्र में रखे पुष्टाहार के पैकेट लूटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 179 पैकेट लूट कर वे भाग निकले। पुष्पा देवी के मुताबिक उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनसे बदसलूकी की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने शशि व अन्य महिलाओं के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। निहोबरा पुलिस का कहना है कि इस केस में वीडियो वायरल हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। 2:30 बजे तक उन्होंने कुछ पैकेट ही बांटे थे कि एकाएक बड़ी संख्या में महिलाएँ व बच्चे पहुँच गए और पहुँचने के बाद वो जितने आंगनबाड़ी केंद्र पर पैकेट रखे थे उन्हें लूट कर वे लोग वहां से भाग निकले। और सेविका का कहना है कि जो लोग लूट के भाग रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने थाने में तहरीर भी दे दी है। और पुष्टाहार लूटने का वीडियो शनिवार सुबह इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। 35 सेकंड के इस वीडियो में बड़ी संख्या में महिलाओं व बच्चे पुष्टाहार लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमीन पर गिरा अनाज भी महिलाओं ने उठाकर अपने आंचल में भर लिया। एक महिला बोरी भरकर पुष्टाहार ले के जाती दिख रही है। केंद्र के बाहर खड़े किसी शख्स के द्वारा इस वीडियो को बनाया गया। तो आखिरकार उस आंगनबाड़ी सेविका के केंद्र से ऐसा क्यों किया गया, ये जो घटना हुई है इसकी जाँच अभी वीडियो के माध्यम से पुलिस इसकी छानबीन कर रही है और जो भी इसमें लूट में शामिल है उनकी तस्वीर भी उस वीडियो में शामिल है। तो ये जो घटना हुई है, और भी किसी आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ ऐसी घटना ना हो, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।